डॉक्टर आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है यूरेथ्रल स्टेनोसिस इन ट्रांसजेंडर्स। जब मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर की सर्जरी होती है, बॉटम सर्जरी होती है, उसमें पेनिस को निकाल के फीमेल ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। मेल की जो यूरेथ्रा है उसको शिफ्ट करके फीमेल यूरेथ्रा की जगह उसको फिट किया जाता है। जब यूरेथ्रा को हम टांके लेते हैं तो यूरेथ्रा एक ऐसे गोल स्ट्रक्चर होता है जहां से यूरिन आपकी आती रहती है, लेकिन अगर किसी गोल स्ट्रक्चर को आप टांके लेते हैं तो वो सिकुड़ के ऐसे छोटा हो जाता है, तो उसका मुंह बंद हो जाता है और यूरिन आने में तकलीफ होती है। ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल एडवांसेस अभी आजकल सर्जरी में आई हुई हैं जो आपके डॉक्टर आपको करते देते हैं, लेकिन फिर भी काफी बार यूरेथ्रल स्टेनोसिस देखा गया है। यूरेथ्रल स्टेनोसिस माने यूरिन आने की जगह का मुंह बंद हो जाना या छोटा हो जाना, तो उसको रिलीव कर सकते हैं। काफी सारी टेक्निक है जिसको उपयोग करके आपकी जो यूरेथ्रा है उसको वापस से ओपन किया जा सकता है, उसको डायलेटेशन करके भी उसको रिलीज किया जा सकता है। यूरेथ्रल स्टेनोसिस जब आपका मेल टू फीमेल सेक्स चेंज हो रहा है उस टाइम पे ना हो, उसके लिए आप डॉक्टर से पहले ही डिस्कस कर सकते हैं और अगर हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में अगर आप यूरेथ्रल स्टेनोसिस जो ट्रांसजेंडर में होता है उसकी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। इंक्वायरी के लिए सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पे आके पर्सनली हमें मिल सकते हैं, या पेड वीडियो कंसल्टेशन करना चाहें तो ये नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।